तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा प्राता। हुण फिल्मां आन गईयां बहुत सारियां, क्योंकि अपने खेत्र दे विच ओह सारियां चीज़ां करनियां जो पॉसीबल हैगियां। सब तो पहला बहुत सारे गाने अज गुरु साहब तो जिहड़ी आशीर्वाद लैके शुरुआत करन लगे हाँ। गुरु साहब के दर ते जिहड़ा जाया, जिहड़ा आशीर्वाद लैण लई पहुंचिया, इहदा मतलब सी अज चैनल की शुरुआत होई है। एक बहुत प्यारा गीत जिहतों शुरुआत कीती है, जे तू बख्शे वडियाईयां मिलदियां तां साईयां, जे तू बख्शे वडियाईयां मिलदियां तां साईयां, तेरी मेहर बिना ढो मिलदी ना किसे थां साईयां, जे तू बख्शे वडियाईयां मिलदियां तां साईयां, जे वाहिगुरू चाहे फिर वडियाईयां मिलदियां, जे वाहिगुरू ना चाहे फिर तुहानूं किते वी ढोई नहीं मिलदी। सो वाहिगुरू दा आशीर्वाद लैणा इस लई सब तो जरूरी। वाहिगुरू दा आशीर्वाद तुसीं लिता ते पंजाब दे लोकां नूं की सुनेहा देना चाहोगे? पंजाब के लोगों स्नेहा कोई नहीं, पना पंजाब के लोगों लिए दुनिया जिते पंजाबी भैन भरा वसते हैं, जिन्होंने मैं इन्ना प्यार दे के इन्ना सत्कार दे के वापस अपनी लाइन के मैं फिर गाने का मौका दिता, बस अपने प्यार इसी तरह बरकरार रखियो। तुहाडा जिहड़ा प्यार है इहदा कर्ज मैं कदे नहीं उतार सकता, क्योंकि साडी लाइन के बहुत औखी वापसी हुंदी है किसी की, जे कोई एक बार लाइन चो बाहर चला जाता, पर तुसीं मैनूं इन्ने वधिया तरीके नाल वापस इस लाइन के लिया। सो उहदे लई सारिआं दा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह प्यार तुहानूं मिलिया वै, तुसीं किस तरह नूं एक अगर शब्दी गाने च करना होवे तां किवें एक्सप्रेस कर सकदे हो, कि लोक तुहानूं हुण बहुत प्यार करदे ने, क्योंकि बीते दिनी जो घटनावां वापरियां उस तों बाद जिहड़ा है। इहदे लई इही कहूंगा कि जिस्मां तों पार दी गल है जिहड़ी साडे प्यार दी गल है, करता दिल तेरे नावें सजणा एतबार दी गल है, तेरे ते हक समझ दे ना के हंकार दी गल है, ये जिस्मां तों पार दी गल है जिहड़ी साडे प्यार दी गल है। वापसी जी हुई उस तो बाद अपने आप से इंद्रजीत निकू ने अपने आप से कि बदलाव देखे अपने आप दे निजी तौर के उ जर गल करिए आर्टिस्ट के अंदर ही भी इंसान हूँ आर्टिस्ट की जिंदगी जी है। जिमें बहुत सारे तुम फिल्मों के भी सुने होगा कि एक इंसान के अंदर एक बच्चा रहा, वो बच्चे हमेशा ज्यौदा रखना चाहिए। एक आर्टिस्ट के अंदर एक आर्टिस्ट भी हों, बच्चा भी हों। आर्टिस्ट जदों एक स्टेज नहीं मिलती, लोग नहीं मिलते चाहण वाले, जिहड़े प्यार करन वाले, लाइव असी जदों कंसर्ट करदे आ उत्थे जिहड़े चाहण वाले नहीं मिलते, सानूं दिखदे नहीं, अंदरों आर्टिस्ट मरना शुरू हो जाता। सो मैनूं पता जिहड़ा उह समां सी उह 'च पल पल मरन दा जिहड़ा अहसास है बहुत बुरा सी, पर मैनूं ऐ लगदा सी कि वाहिगुरू ने जिहड़ा कुछ भी, क्योंकि इंसान कोई प्लानिंग करता उस कितने कमी हो सकती है जी, बिल्कुल, पर जो वाहेगुरू कोई प्लानिंग करता उस कितने कमी नहीं हो सकती। समझ दो कि वो एक बदलाव सी जिद नाल जिंदगी बदल गई, वो वाहेगुरू की प्लानिंग सी, क्योंकि मैनू ऐ लगता कई बार जे मैं रेगुलर चलता रहा, जेडे मेरे नाल दे जिन्ने भी आर्टिस्ट से वह सारे कितना कितने लोग ये कहना शुरू हो गए, ये तो हूँ पुराने आर्टिस्ट हो गए, हूँ नवयां दा जमाना आ गया। बिल्कुल, मैनू बाबा जी ने विचाले समय की ब्रेक लवा के अज नवयां दे विच लिया के फिर खड़ा करता, तो नवयां दे विच मेरे जिहड़े गाने ने वह भी कूले जाण लगे। सो मैनू लगता वो जिहड़ा ठहराव सी ब्रेक सी वह जरूरी सी, साडे नूं ज़्यादा वाहिगुरू ने गल ज़्यादा अच्छी तरह पता सी। बाबा बगेश्वर लगातार अपने जिहड़े प्रचार कर रहे ने जी, उन्हां बारे की कहोगे? सारे धर्म अपनी अपनी थां बहुत अच्छे ने। मैं पहला शुरुआत उत्थों कीती कि गुरु साहब ने इत्थे दरबार जिहड़ा हरिमंदर साहब के जिहड़े जिन्ने चारों द्वार ने इसे लिए बनाए कि सारे धर्मां लई सांझा आए। मैनूं लगता कि सानूं थोड़ी जी लोड़ है इन्हां चीज़ां ते पहरा देण दी, कि जो गुरु साहब ने गुरबाणी दे विच वी कहा, सानूं वैसे भी समझाउणा कीता कि सारे धर्म सांझे ने, फिर सानूं किसी भी धर्म की बुराई करन दा किसी भी इंसान नूं हक ही नहीं। वो अपने धर्म के जो प्रचार करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, असं अपने धर्म के प्रचार करते हैं बहुत अच्छा। हम अगली फिल्म के आ रही थी फिल्मा नहीं, अगली फिल्मों तो पहला गाने बहुत सारे आ रहे हैं, सब तो पहला तो यह गाँव जो
साइया जी का टाइटल है जिहड़ा अज 5 बजे जिहड़ा अज तुहानूं पहला सुना के हटिया चैनल की शुरुआत है। वो तो बाद चल सो चल चली जाने एक मोटिवेशनल गाना होना, अज नहीं ते कल जट्टा बन जानी गल जट्टा बस चली चल जट्टा मनी कदे हारना। मोटिवेशनल कि चलते रहो, जे चलते रहोगे एक दिन जरूर जित हो जानी है। खड़े पानी भी गंदले हो जाते हैं, पुराने बजुर्गों तो सुनते आने हैं, कितने भी तुसी खड़ गए तो समझो थोड़ी ब्रेक लग गई। चलना कदे बंद ना करो, तुरना कदे बंद ना करो, मेहनत करनी कदे बंद ना करो, एक दिन वाहिगुरु अपने आप पागला देंगे।